पापा पहुंची थी, उसके बाद पुलिस ने खुद हमको वहाँ से फैमिली के साथ निकाला था। और मैंने उस वक्त भी रात को यही कहा था, जब रात को पूरे घर की तलाशी भी ली थी खुद पुलिस के आला अधिकारी के सामने और हिंदू पक्ष के लोगों ने साथ मिलकर तलाशी ली थी, तो उस वक्त मुझे यही डर था कि मेरे मकान का बिल्डिंग का कोई भी मिसयूज कर सकता है, कोई भी पक्ष उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन वही के जो आपके रहने वाले पड़ोसी हैं उन्होंने ये कहा कि आपके घर के अंदर आपके बुलाए हुए लोग अंकित को घसीटते हुए ले गए और 400 शव जो है उसमें 400 घाव मिले हैं। देखिए ये तो जांच में ही मालूम पड़ेगा। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडओवर बिल्डिंग को ले लिया था और सारा मामला 25 तारीख का है। अब उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुँचे, कैसे सामान पहुँचा, कैसे मेटल पहुँचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। मतलब आप या आपके लोग वहाँ नहीं थे आपके घर में? जी नहीं, मैं भी नहीं था, मेरा परिवार का भी कोई आदमी नहीं था, जो भी थे सिर्फ दंगे थे, वो दंगे किसी भी मजहब के हो सकते हैं। मैं इस बार पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है या कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है उसमें आप दिख रहे हैं? नहीं, वो 24 तारीख की वीडियो है जिसमें मैं खुद जो है ये दो बार हुआ है, एक 24 तारीख को जो है दरवाजा तोड़ के गेट तोड़ के लोग ऊपर चढ़े हैं, जिसमें मैंने आज तक को भी फोन किया था, पुलिस से मदद मांगी थी, उसी वक्त मेरा हाथ में डंडा और डंडे से मैं लोगों को नीचे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें भागे भी, उसमें मैंने कंट्रोल भी किया है। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किसी का भी, लेकिन ये जितनी भी वारदात है ये खतरनाक वारदात जो है, जो भी वहाँ सामग्री दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की है और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। अच्छा ये बताइए, जो आपकी पूरी कॉलोनी में आप कब से रह रहे हैं? मैं वहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 97 से रह रहा हूँ। 97 से, मतलब आपने बहुत बड़ा वक्त, 20 साल से ऊपर, दो दशक से ऊपर का वक्त आपने वहाँ बिताया है। आपने बाद की स्थिति भी देखी होगी, क्या हो गई है, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों की मौत हुई है, ये स्थिति को कहीं आपको लगता है कि आप भी कसूरवार हैं? मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी जान की भीख मांगी है, मैंने खुद बार बार पुलिस को 100 नंबर पर फोन किया, एक मरतबा नहीं 5-6 मरतबा फोन किया है। मेरे एक सीनियर नेता ने कॉन्फ्रेंस में जो हमारे DCP सूर्या जी हैं उनसे भी बात कही थी 24 तारीख को, और 24 तारीख को वहाँ से जो है हम लोग 11 बजे के आसपास खुद पुलिस के आला अधिकारी के सामने वो फैमिली के साथ निकल गए थे। उसके बाद जो भी वारदातें हुई हैं सब 25 तारीख को हुई हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप सरेंडर करने जा रहे हैं, आपने अर्जी लगा दी है कोर्ट में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सरेंडर करने में आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा देर कर दी है? ये अगर आप पहले कर देते तो चीजें शायद इतना खराब नहीं होती। देखिए जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था तो मैं बहुत डर गया था, और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी आपकी जमानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं, हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं, मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने आपको तलाशने के लिए कोई आपके परिवार या घर के लोगों से बात की? मेरा कोई संपर्क परिवार के किसी आदमी से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश का कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। आप नार्को के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं खुद अपने परिवार की अपनी जान बचा के वहाँ से निकला हूँ और खुद पुलिस वाले। कहाँ थे आप इतने दिन तक, कहाँ थे आप? देखिए मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर, दिल्ली ही थे या अलग जगह? दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ, 2-3 दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। उसके बाद में जब ये वकील से सलाह ली मैंने, वकील के पेपर पर तैयार किए थे, उसके संपर्क में था। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने खुद आपको अब निकाल दिया है, तो आपकी मुश्किलें तो दोहरी हैं, एक तरफ दंगे के चार्जेस लगातार आप पे FIR दर्ज होती जा रही हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अगर आप बेकसूर हैं तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों आपको छोड़ दिया? देखिए ये उनका निर्णय है, इसका जवाब वो दे पाएंगे, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ, मेरा अल्लाह मेरा भगवान जानता है, मैं बेकसूर, मैं निर्दोष हूँ, मैं खुद अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ, जब इसकी निष्पक्ष जाँच होगी तो ये बात साबित भी हो जाएगी कि मैं वहाँ से वाकई में मैं खुद दंगाइयों से मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ, और दंगई किसी भी मजहब का हो, दंगई दंगई होता है। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार को लेकर दोबारा उस घर में जाएंगे या फिर?
सबसे पहले तो मैं निष्पक्ष जांच होके मैं बेगुनाह साबित हूँ। उसके बाद में मेरी कोशिश होगी कि जितने भी वहाँ के लोग हैं आसपास के, सब मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, वहाँ पे 6-7 साल हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में रहा हूँ और मैं हमेशा से जो है हिंदू धर्म के लिए हमेशा अपना योगदान देता रहा हूँ, चाहे जागरण कराने का काम हो, चाहे मंदिरों में CCTV कैमरे लगाने का मामला हो, चाहे हनुमान जयंती पर भंडारा करने का। आप पे ऐसे संगीन आरोप जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं? क्योंकि अगर आपने ये सब काम कराए तो छवि कुछ और होनी चाहिए। देखिए आप मेरे 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 ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है कम से कम आधे से ज्यादा जो है वो हिंदू स्टाफ है, महिलाएं भी हैं और लड़के भी हैं और 15-15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अपना परिवार अब सुरक्षित जगहों पर है? मुझे अभी परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं है कहाँ है कैसा है, कोई इस बारे में कोई भी कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना, आप सरेंडर करने जा रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कानून के हवाले करने को अपने आप को। आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस अरेस्ट करे उससे पहले आप सरेंडर करें, क्यों आपको ये जरूरत महसूस हुई? देखिए कानून के हवाले तो हर हाल में करना ही करना है, चाहे वो पुलिस के थ्रू होते या कोर्ट के थ्रू होते। एक कोशिश थी जो संविधान कानून में एक 438 आर्टिकल है जिसके तहत मुझे बताया गया कि 438 के तहत आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो आप वही कर रहे हैं जो मैंने किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से और इतने सारे चार्ज लगा दिए गए हैं जिसका कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतने साल से वहां रह रहा हूं और मैं आपको यही बता रहा था कि हिंदू आबादी के बीच में रह रहा हूं मैं, मेरे बराबर में जो हमारा। लेकिन आपको लगता है कि वहां नॉर्मल चीजें हो पाएंगी? सालों साल लगेंगे, घर तबाह तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बसने में वक्त लगता है ना। देखिए फिलहाल तो अफसोस है आपको उस इलाके को लेकर? मेरी खुद की जिंदगी तबाह हो चुकी है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, वहाँ पे जाना माना चेहरा था, इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है जो भी रहा है। आपके घर पे गुलेल से लेके बम तमाम चीजें वो मिली हैं और आप कह रहे हैं वो कपिल मिश्रा ने रखवाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साजिश रची गई तमाम चीजों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को, लेकिन ये ऊपर वाले क्रम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुंची 7-8 बजे, उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुंची, कैसे सामान पहुंचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ पे CCTV कैमरा भी मेरे गेट पे लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसकी भी उसके थ्रू भी जो है जांच की जाए, जब जांच होगी तो सब। लेकिन कोर्ट पे भरोसा है आपको? मुझे पूरा देश के कानून पे पूरा भरोसा, पुलिस पे भरोसा नहीं है, सब पे भरोसा है। बस सच्चे सब लोग जांच जो है वो एकदम ईमानदारी के और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। तो ये है ताहिर हुसैन जिनकी पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, हमारे साथ है आज तक पे एक्सक्लूसिवली बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अब जा रहे हैं कोर्ट में सरेंडर करने के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने अर्जी ऑलरेडी लगा दी है इस मामले पर। अब देखना होगा कि ये जो ताहिर हुसैन को लेकर और पुलिस के बीच में जो खेल चल रहा है लुका छुपी का, ये अब कब खत्म होगा। लेकिन इतना तय है कि ताहिर हुसैन ने मन बना लिया है कि वो अब कोर्ट में जाएंगे, सरेंडर करेंगे और पूरी तरह से वो तैयार हैं कि उन्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और पूरी तरह से तैयार हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।